हेलो एवरीवन मैं आपको वेलकम कर रहा करूँ अपने यूट्यूब चैनल जे के हेल्पिंग हैंड्स में फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ यह है एक एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन ये फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की तरफ से और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है फाइव ऑफ टू जो निकली है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल टू इनको कुछ कैंडिडेट्स की जरूरत है हम बताएंगे नीचे उनके कौन से कौन से पोस्ट निकले हैं ये फिलहाल थ्री मंथ्स के लिए इसके अलावा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है सिक्स मंथ्स के लिए ये ऑन कंट्रक्चुअल बेस के लिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन से कौन से पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है जो यहाँ पर आप सीरियल नंबर वन पे देख रहे हैं उसका नेम ऑफ़ द पोस्ट है वो माइक्रो है या रिसर्च साइंटिस्ट है और इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वह है टू और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह है एम डी या डी एन बी इन माइक्रो बायोलॉजी और इसके अलावा ये भी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते इसके लिए जिन्होंने पी एच डी या एम फिल किया हो माइक्रो बायलोजी में या जिन्होंने एम फिल या पी एच डी किया हो बायोटेक्नोलॉजी में वो भी एलिजिबल है अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है माइक्रो के लिए या रिसर्च साइंटिस्ट के लिए तो जो एम बी बी एस या एम एस सी में उनको फिफ्टी पॉइंट्स दिए जाएंगे और एम डी या पी एच डी एम फिल उसके लिए टेन पॉइंट्स होंगे और एक्सपीरियंस को ट्वेंटी पॉइंट्स और पाँच पॉइंट्स मिलेंगे एवरी ईयर को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कैंडिडेट ने फाइव ईयर्स क्या मतलब उसके एक्सपीरियंस हो फिर भी उसको ट्वेंटी ही पॉइंट्स मिलेंगे मतलब हर अगर किसी ने तीन साल की एक्सपीरियस किसी को तो उसको फिफ्टीन ही पैंट्स मिलेंगे तो इस हिसाब से इनको पैंट्स मिलेंगे और इंटरव्यू के ट्वेंटी पॉइंट्स रहेंगे वो जहाँ पर उन्होंने बताया जो आइटम नंबर वन है उसको ऑन द प्रोडाटा बेस के पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने हंड्रेड परसेंट मार्क्स ऑप्टेन किए एम बी में या एम में तो उसको बराबर फिफ्टी पॉइंट्स मिलेंगे और अगर किसी ने फिफ्टी परसेंट ही मार्क्स ऑपटेन किए एम बी एस या एम में तो उसको ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स मिलेंगे ये डिपेंड करेगा ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज ऑप्टेन इन एम और एम एग्जामिनेशन तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ अब हम बताएंगे अभी जो श्री नंबर टू पे कौन सा पोस्ट है जो उन्होंने एडवर्टाइज किया है श्री टू पे जूनियर नर्स जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है ट्वेंटी और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बी एस सी नर्सिंग और टेन प्लस टू विद डिप्लोमा इन जूनियर स्टाफ नर्सिंग इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थर्टी परसेंट वेटेज टू मार्क्स ऑफ इन टेंथ और थर्टी परसेंट वेटेज टू मार्क्स ऑफ इन टवेल्थ और 40 परसेंट वेटेज मार्क्स ऑप्टेनड इन डिग्री एंड 30 परसेंट मार्क्स ऑप्टेन इन डिप्लोमा 30 परसेंट दिए जाएंगे टेंथ को थर्टी ट्वेल्थ को 40 जो डिग्री के लिए और 30 परसेंट किसके लिए डिप्लोमा के लिए और उन्होंने यहाँ नोट में दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा भी किया है और इसके साथ डिग्री भी की है दोनों की है तो यहाँ पर इसका सिर्फ डिग्री कंसिडर की जाएगी और उसका डिप्लोमा कंसिडर नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर उसको हंड्रेड में मिलेंगे मार्क्स जिसने डिग्री की होगी उसको थर्टी टेंथ में थर्टी ट में ओवर फोर्टी डिग्री में और अगर किसी स्टूडेंट ने मतलब डिग्री नहीं की है और सिर्फ डिप्लोमा किया है उसको नाइन्टी में मार्क्स मिलेंगे थर्टी टेंथ को थर्टी ट्वेल्थ को और थर्टी डिप्लोमा को तो इस तरह इनको मार्क्स मिलेंगे वो भी प्रोडटाई बेस होंगे मतलब उनके डिपेंड करेंगे उनके परसेंटेज भी इन एग्जाम्स में जो उन्होंने ओप्टन की होगी और इसकी जो सैलरी रहेगी जो जूनियर नर्स के लिए वो रहेगी फोर्टी थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड अब हम आपको बताएंगे सीरियल नंबर थ्री पे कौन सा पोस्ट निकला है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है जो सीरियल नंबर थ्री पे पोस्ट है वह लेब असिस्टेंट और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वह और जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है टेन प्लस टू विद सैंस एंड एबो क्वालिफिकेशन विद डिग्री या डिप्लोमा इन लेब असटेंट तो जिसने टेन प्लस टू साइंस में किया हो और उसके अलावा उसने क्या डिग्री या डिप्लोमा किया हो ले स्टैंडर्ड में तो इसके जो हमने बताया उससे पहले जो हमने जूनियर नर्स के लिए बताया जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इसका भी सेम ही है क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके अलावा जो इसकी सैलरी रहेगी वो रहेगी ट्वेल्व थाउजेंड ऑनली और यहाँ पर जो सैलरी थी जूनियर नर्स के लिए वो था फोर्टीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड अब हम सीरियल नंबर फोर पे चलते हैं कौन सा पोस्ट है जो सीरियल नंबर फोर पे पोस्ट है वो एनिसीस टेक्नीशियन है और इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है टेन और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है टेन प्लस टू विध सैंस एंड एबो क्वालिफिकेशन विद डिग्री इन एनस्थीसिया और डिप्लोमा इन एनस्थीसिया तो जिस स्टूडेंट्स ने टेन प्लस टू किया हो साइंस में और इसके अलावा उसने डिग्री या डिप्लोमा किया हो एनस्थीसिया असिस्टेंट कोर्स में तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी सेम है जो ऊपर था लेब असिस्टेंट या जूनियर नर्स के लिए था वो भी इसी का इसका भी वही सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया है और जो इसका जो सैलरी रहेगी वो रहेगी ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ अब हम सीरियल नंबर फाइव पे देखेंगे कौन सा पोस्ट निकला है ये जो सीरियल नंबर फाइव पे है वो है ओ टी टेक्नीशियन और इसके जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओ टी टेक्नीशियन के लिए वो है टेन प्लस टू विद साइंस एंड डिग्री और डिप्लोमा इन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग मतलब स्टूडेंट्स ने टेंथ किया हो विद साइंस में और उसके अलावा इसने डिग्री या डिप्लोमा किया हो इन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग में तो इसका भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सेम एज़ अबो है तो इसी तरह इसका भी वही सिलेक्शन क्राइटेरिया है और इसका भी जो सैलरी है वो है ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ तो अब हम आपको बताएंगे आपको किस तरह इसके लिए अप्लाई करना होगा तो यहाँ उन्होंने बताया जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको उनकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा जी एम सी की वो है डब्ल्यू 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 डॉट जी एम सी बारामूला डॉट कॉम तो उनको वहाँ पर अपने फॉर्म्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हो ट्वेंटी एट अप्रैल से लेकर फोर्थ ऑफ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक तो उसके लिए उनको फी पे करना होगा वो है हंड्रेड रुपीज़ उसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है स्टूडेंट्स के लिए उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए डोमसल यू टी एंड जो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके अलावा जो कैंडिडेट है ये कंट्रेक्चुअल बेस है फिलहाल तीन मंथ्स के लिए उसके अलावा इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा सिक्स मंथ्स के लिए आप डिपेंड्स अपॉन दियर परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से और जो यहाँ पर जो सैलरी बताई वो सारे अलाउंसेंस को मिला के उसके अलावा उसको कुछ ऐड नहीं किया जाएगा ये लास्ट फाइनल सैलरी है ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ इस पोस्ट के लिए वो हर पोस्ट को दी गई है फाइनल सैलरी है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको एफिडेविट सबमिट करना होगा उनको क्लेम नहीं करने होंगे गए किसी रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए या एक्सटेंशन इन द डिपार्टमेंट इन सर्विस कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ये जो पोस्ट है वो कंट्रोक्चुअल बेसिस है तो इसका मतलब नहीं है कि उनको बाद में इस डिपार्टमेंट में परमानेंट किया जाएगा तो फ्रेंड से था एक एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन जो निकली है जी एम सी बारामूला से तो डिफरेंट पोस्ट निकले हैं और बहुत सारे पोस्ट निकले हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप फोर्थ ऑफ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन आपको हंड्रेड रुपी फी पे करना होगा तो इसको बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए तो हो फ्रेंड्स आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पे पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी तो थैंक्स फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में